मालूम कहाँ जाना है कोरोना एक इम्तिहान जाना, साथ देने की बजाय कुछ लोग दे रहे हैं फकत बयां जाना। यकजहती है बहुत जरूरी, इसीलिए आ रहे हैं वासे चौधरी। हस्ते मुस्कुराते जा रहा हूँ आप सबको, हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। माशाल्लाह, आप वाकई बादशाह हैं, हम आपकी रियाया हैं। अच्छा, रियाया है। है बादशाह ने उनके तख्त के ऊपर सब्जी ला के बेच दी। बादशाह ते रियाया नु कह रहे होंदे ने यार मेनू जल्दी घर जांदे फिर तुहाडी भरजाई ने दरवाजा नहीं खोलिया। बादशाह ने ते घर जांदे मल्ले वाले नु कह रहे सी ओए बादशाह सलामत जो कल घर जा रहा सी ए पानी वाला छापर कि मारे। बादशाह तो दोस्तों क्या रहा मेरी हेल्प करो यार घर वाले मैं खर्चा नहीं देना। बादशाह तो जोबदार कहता यार नेता नहीं मैं गुड्डी लुट के लिया। बादशाह ने तो महल च लोगों कह रहे सन यार आई देखो मेरे टांगे तो चलान हो गया। बादशाह तो कमीजा कह दिया हूं जो अंब कट्टो नाल कच्ची लस्सी भी बना ली। बादशाह तो हमसाया कह रहे साड़ी फ्रिज खराब है एक बर्फ का कोला देना। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रुकने पंजाब असेंबली के अंदर साथ ही साथ स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं फॉर फूड, जनाब सरदार खुरम सोहेल खान लगारी। और सरदार साहब के साथ हमारी दूसरी मेहमान मॉडल हैं मोहतरमा आमना जमाल। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों ही मेहमान बड़े यंग और बच्चे बच्चे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से हैं सर। क्यूट बिल्कुल। और शेर मैं लाया हूँ जी आज दोनों के लिए। किसी तरह नहीं जाती अफसुर्दगी दिल की, किसी तरह नहीं जाती अफसुर्दगी दिल की, तो जर्द रंग का एक आसमां बनाते हैं। कोरोना एक ना एक दिन गुजर ही जाएगा, सो मिल के आज हम उसकी हंसी उड़ाते हैं। नसीबा नाल मैं जुड़ के वेख्या है। अच्छा, वाह। नसीबा नाल मैं जुड़ के वेख्या है, पहली बार मैं थोड़ के वेख्या है। मैं पत्थर दा किवें हो गया वा, ना काफर हां ना मुड़ के वेख्या है। सच बताओ तू इतना डरती हो, मुझे देख के क्यों आहें भरती हो। ये देखो मुझे मार देगा जो सारी रात कजनों से बात करती है। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह। वही शोखो चंचलपन, वही शर्माना, वही घबराना, आए हाय ये पहले जैसा जो था ये कब जाएगा? अब तो आपको हुकूमत भी दे दी हमने। उन लोग की कोरोना ना मरन दे, उन्होंने हजे भी आस है दी पई है। मगर ये क्या है ये? आप जल जल के मरेंगे। ओए हाय, ये बड़ा एक मैंने नोट किया, आप जब भी आते हैं आप कुछ अजीब से कुछ शर्मा रहे से होते हैं, कुछ कतरा रहे से होते हैं। आप जो यहाँ पे रिश्ते करवा के भेजते हैं यार ये देखो ऐसा समझते ही है, हम तो इतना एंजॉय करते हैं, हमें पता चलता है कि जब यहाँ पे बैठ के मेरा रिश्ता भी करवा रहे थे। आपको इतराज किस चीज पे है, खुल के बताएं आज, आपकी आवाज कोई नहीं दबाएगा। कौन दबा सकता है ये? तो देखिए ना, देखिए बुज़दार साहब आपके बारे में क्या कह रही है। बोले बताएं क्या आपको गिला क्या है? कोई गिला नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है, तो फिर इस मुस्कुराहट के पीछे क्या राज छुपा हुआ है? बोली वाली कमेटी निकली। अरे इस हालात च पैसे आने बड़ी सेहत के लिए अच्छा होता है। सेहत के लिए अच्छा नहीं, मगर क्या कमेटियां डाली हैं? वैसे नहीं, कोई कमेटी कभी डाली, कभी दिल चाहा? जरूरत नहीं। मुझे बहुत पसंद है शो, और सबका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा शो है।
और थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा था जोक्स वगैरह से, लेकिन जिन्नी की सेहत ज्यादा एंजॉय ना करो उल्टबाजी लग जाएगी जिन्नी को। मगर आपको जोक्स से डर क्यों लगता है? पता नहीं, थोड़ा सा लग रहा था, थोड़े जो सामने बैठे हुए हैं तो वो थोड़े से जोक हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों आपको वैसे कोई क्या ह्यूमर से मसला है या क्या? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं। फिर क्यों आप घबरा रही हैं? नहीं, हैंडल करते हैं जोक। खुरम से डरना नहीं, लड़ना है। खुरम खुरम साहब से पूछना है। अच्छा सर, इन्हें आप हैंडल नहीं कर सकते हम क्या? मगर खुरम बताए ना इनको, उनकी घबराहट तो खत्म करिए। आप ही बताए ना, हैंडल इन्हें आप ही कर सकते। नहीं नहीं, मगर मैं तो देखे इधर बैठा हुआ ना, वो कह रही है कि वहाँ पे जोक्स आते हैं तो उनको बताए कैसे फेस करना चाहिए जोक्स। देखते जाए, सीखते जाए, देखते हैं अभी क्या होता है। देखो देख के आइए, सीख के आइए। मैं तैयार होके आई हूँ, पूरा पूरी तैयारी करके। किससे ज्यादा डर लगता है तीनों में से? जो ब्लैक टी शर्ट वाले हैं ना, इनको मेरे बहुत, इनके सबसे ज्यादा इनके जोक्स मुझे। अब सारी जिंदगी बसर करनी है तो जोक भी तो सारी जिंदगी बसर करनी है आपने यहाँ पर हमने आपके साथ, उन्होंने अपने घर में। हाँ जी, हाँ जी, मैं ना आप उनको छेड़े, पहले वो घबराई हुई आप ऊपर से और उनको। नहीं नहीं, कोई घबराना, मैं हूँ ना। आपने ऐसी बात की कि वो खुरम की भी हंसी निकल गई। आपकी शक्ल ही ऐसी है, सब देख के हंसते हैं। ऐसे कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। नहीं, आप इनको कॉम्प्लीमेंट्स दे रही हैं। बिल्कुल, सबको। सबको तो नहीं, आपने सिर्फ उनको ही कहा है। नहीं, मैं सबके बारे में ही तारीफ कर रही हूँ। आपने कोई तारीफ की? अकरम उदास साहब, क्या बताइए। मैं आपको बताऊं कि मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो ये मेरे यूनिवर्सिटी आए थे और मैंने इनका पूरा शो बैठ के देखा था। अच्छा। और तब से लाइक आई यूज टू फॉलो ऑल ऑफ देम, तो मैं काफी ज्यादा बड़ी फैन हूँ आपकी। आप इनकी फैन है? अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, कॉम्प्लीमेंट खुरम को भी दीजिए। आपकी पहली मुलाकात है किसी पॉलिटिशियन से? बिल्कुल पहली मुलाकात है। पॉलिटिशियंस का हमेशा एक इमेज होता है हमारे जहन में, जो हमने बहुत बचपन से देखा हुआ होता है, देखते हैं टीवी पे उनको अक्सर, यू नो टॉक शोज पे देखते हैं। तो क्या उस इमेज के मुताबिक आपको लग रहे हैं खुरम है या नहीं है? आई थिंक है, क्योंकि पॉलिटिशियंस काफी हम्बल होते हैं और काफी समझदार टाइप होते हैं। ये जो बंदे अपनी शादी ते भाभी नु कह रहे हैं सलामिया मेनू दे ते, अज तो बाद तेरा मेरा कोई तल्ला नहीं। क्या मतलब आप? अच्छा बताइए और। अच्छा, तो आपको समझदार जो है, आपको वो फील आई खुरम से? काफी मतलब। और आपको इतने स्माइलिंग कभी नजर आए हैं पॉलिटिशियन? नहीं, ये नहीं, ये मैंने पहली दफा देखा है। ये देखें खुरम, मैं अकेला नहीं हूँ जो ये चीज नोट कर रहा। मैं तो खुश हूँ, मगर मैं देखें लोग भी खुश हो रहे हैं। वो कह रही मैं पहली बार देखी है किसी के चेहरे पर। इतना शो इतना अच्छा है कि यहाँ पे आके सब स्माइल करते हैं, मैं उधर बैठ के स्माइल कर रही थी, हंस रही। नहीं, हर कोई नहीं करता, मतलब कभी कभी कुछ आते हैं जो इतने स्माइलिंग जो है ना, ये आपको सिर्फ आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको खुरम के साथ मौका मिला आने का। शर्मा भी रहे खुरम साहब। अच्छा खुरम, शर्मा क्यों जाते हैं आप बताएं मुझे? सही, शर्मा तो नहीं रहा। क्या ये क्या हल्का सा तो शर्माए हैं आप खवातीन के साथ बात करते हुए? क्या पहले कभी खवातीन ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया? नहीं। यानी कि यहाँ से निकलने के बाद कभी आपको किसी ने नहीं पूछा? मगर वैसे आप ये बताएं, आप तो मॉडल हैं, यू नो यू आर इनटू द वर्ल्ड ऑफ फैशन एंड मॉडलिंग, तो आपको कैसी लगी है इनकी फैशन सेंस? इनका काफी हर चीज इन पे काफी कॉम्प्लीमेंट कर रही है, और इनका वो रुमाल भी बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये रुमाल आपने खुद डाला? जी मैंने खुद डाला। ये आप प्लान करके आए हुए थे कि ये इसके साथ ये निकलेगा बीच में? सोरम भाई वर्ग के बंदे ब्याह थे जाना, औरत पूछना भाई तू कौन है? भाजी मैं वीडियो वाला। यार ऐसी बात नहीं है, शर्मा रहे। खुरम आपसे कभी आपके हल्के वालों ने भी इतना प्यार किया? जी जितना ये बहुत करता है। सबसे बहुत मोहब्बत। आप उनको दावत क्यों देते हैं मुजफ्फरगढ़ आने की? जब दिल करे। नहीं जब दिल नहीं, दावत ऐसे नहीं होती है कि जब दिल करे। मुजफ्फरगढ़ की दावत दे रहे हैं? हाँ जब दिल करे आप। ठीक है, तो उनको भी दावत है, वो साथ बैठी हुई, उनके करीब हमसाए की ज्यादा हक होता है। आप आए भाई, अब आप आए तो बहन को भी तो बुलाए। हाँ वो भी आ जाए, नो इशू। आप मुजफ्फरगढ़ से वाकिफ है? नहीं। अच्छा देखिए, वो आपके इलाके से वाकिफ नहीं, तो आप उनको कोई ना पांच खुसूसियात बताएं मुजफ्फरगढ़ की। क्या खुसूसियात? अपने अलावा आपने बतानी है पांच यूनिक चीजें मुजफ्फरगढ़ की। आप उनको बताएं। मैं देखिए, आप वहाँ के एमपी हैं, आप बताएं उनको। उन्होंने बात की, कॉम्प्लीमेंट किए ना मेरे। जी जी, बस वो सारी खसूसियात है मुजफ्फरगढ़ में। चले इस बहाने तो फिर आप भी उनको कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, कॉम्प्लीमेंट वापस करना चाहिए। बता दे, ये देखिए दो चीजें हैं, या तो आप उनको कॉम्प्लीमेंट कर दें, या फिर आप मुजफ्फरगढ़ के बारे में पांच चीजें बताएं उनको, जिससे उनको अट्रैक्शन पैदा हो कि जाना चाहिए इस इलाके में। हाँ बता सकते हो, पांच चीजें बता दो। बताइए बताइए उनकी तरफ देख के।
मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके इलाके का मसला पड़ा हुआ है, मैं आपको बता दूं, सवाल आप कर रहे हैं ना, उधर क्यों नहीं बेह रहे, उन्होंने शक्ल नवाशरी साहब ना मिल दे। आप प्लीज पूछिए इनसे पार्टी। अच्छा, आपके मुजफ्फरगढ़ में सबसे अच्छी खाने की चीज कौन सी मिलती है? सबसे अच्छी खाने की चीज आवाम का पैसा। मुजफ्फरगढ़ के आम मशहूर है, फ्रूट्स में मैंगो। मैंगो, अच्छा। और बताएं मुजफ्फरगढ़ के बारे में कुछ। लोग बहुत अच्छे हैं, खुश अखलाक हैं। हाँ जी, बारिश बंदा ना आवे गिला नहीं होता। मुजफ्फरगढ़ की बात हो रही, क्या तुम कर रहे हो? अच्छा, और लोग बहुत अच्छे हैं, खुश अखलाक हैं। हाँ जी, और वहाँ पे मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली भी होती है। थल जीप रैली जी, और तीन हो गई, तीन हो गई, और दो चीजें मुजफ्फरगढ़ में मैं भी होता हूँ, और एक आप भी हेल्प कर दे। एमपी आप हैं, हेल्प है। मैं ना, मुझे मेरे हल्के खुशियात पता है ना, जो मैंने बताया पंजनद भी है मुजफ्फरगढ़ के अंदर, जहाँ पे पांच दरिया मिलते हैं। पांच दरिया हेड मोहम्मद, बिल्कुल हेड है ना, याद आया ना। हाँ, तो वो भी है परम भाई, एमपी है ना, गरीब लोगों नु जाके कह रहे थे एर की अमदाद तुसी मेनू करनी। जिनको बज़ाहिर नहीं अंजाम की परवाह, सच है कि उन्हें डील गायब आना चाहिए। वो आज भी कहते हैं कि घबराइए नहीं, लेकिन हमें लगता है कि घबराना चाहिए। आहो जी आ सिंगर वेख लो, तुझे पहले अपना सरदार वेख लो। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं फॉर फूड जी, तो आप बुज़दार साहब को बताते हैं कि कहाँ खाना है और कहाँ नहीं खाना, कहाँ खाने वाले, ये बात है। खाने के आप फूड के तीन अंदर महकमे हैं, वीट हो गया, केन हो गया, और फूड अथॉरिटी हो गया। ओए होए, तो यानी कि शुगर वाले मामले के अंदर भी आपके आसपास थे ये जो आज का मसला पड़ा हुआ था। अच्छा, साथ ही उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं था, अपने साथी उससे फंस गए तो फिर क्या होगा? हम फिर भी उनके साथ, साथियों को कौन छोड़ता है? ओए होए होए, ये देखें, चाहे साथी जैसे मर्जी हो, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। साथी को नहीं छोड़े, ये वो कहते हैं ना, अच्छू के साथ सब रहते हैं, गंदू के साथ भी रह के देखो ना, फिर है मजा। ओए होए, ये मुझे एकदम वो असलम रईसानी साहब की बात याद आ गई है कि डिग्री डिग्री होती है, चाहे असली हो या नकली, असली हो या नकली। तो ये आपने कहा कि साथी साथी होता है, चाहे करप्ट हो या ना करप्ट हो, साथी साथी। ओए होए, वैसे हम ना मॉडलिंग के साथ साथ एक्टिंग वगैरह का भी आपका है आगे प्लान या नहीं? एक्टिंग का भी है, और मैं डांसर भी हूँ, लाइक मैंने मॉडर्न कंटेम्प्रेरी सीखा हुआ है डांस। अच्छा, ये शौक कहाँ से आया? क्योंकि लाहौर में एक डांस स्कूल है, एक ही डांस स्कूल है, तो वहाँ से मैंने इसके क्लासेस ली हुई है। अच्छा, इसलिए लाइक कौन कौन से फॉर्म आपने डांस की सीखी हुई? ये भी बहुत शौकीन है डांस करने के, तो हमको बताइए। ये भी बहुत अच्छा डांसर है, वाडियां च बहुत नाचदा। सीरियस बात हो रही है यार, सीरियस बताइए उनको जी। जी, हिप हॉप और मॉडर्न कंटेम्प्रेरी और टैंगो वगैरह परफॉर्मेंसेस होती रहती हैं, बट मैंने टैंगो सीखा हुआ नहीं है, मैंने हिप हॉप और मॉडर्न कंटेम्प्रेरी सीखा। हम सुन ले प्रभु देव साहब। मैं विनर भी हूँ डांस कंपटीशन का, बाय द वे। अच्छा जी, चलो फिर दो गाने ही हो जाने। वैसे आपको है शौक डांस का? नहीं, कभी किया? नहीं। कोई दोस्त यार कॉलेज, कोई मेहंदी पे किसी दोस्त की? नहीं, अपनी मेहंदी पे भी नहीं। खुरम भाई वगैरह बोलते ना, मैं रुखसती हो रहे हो ना, तो उन रो के कह रहे होंगे अरे मेरा डांस तो देख लो। हां, बताइए। हमारी बलोच की जो झूमर होती है, झूमर आप डाल लेते हैं? वो जो दो उसके एक दोस्त के निकाह पे थी, वो दोस्त वगैरह के जब कोई इलाके में या कोई कजन्स वगैरह में शादी हो तो वो आप कर लेते हैं, जबरदस्त। आपने कभी देखा हुआ झूमर? बिल्कुल मैंने देखा हुआ है। आपको आता है क्या? मुझे आता है, बिल्कुल आता है। अच्छा, वो भी आता है? मेरे घर फैमिली में शादियों पे लोग कर रहे होते हैं ना, मैंने देखा हुआ है। तो इसके अलावा कभी हुआ वैसे? नहीं। अच्छा, आपको हुआ कभी? नहीं यार, मुझसे तो हिला ही नहीं जाता, मैं तो फिल्मों में डांस नहीं हुआ मेरे से, तो मैं तो फिल्मों में बेचारे कोरियोग्राफर सर पकड़ के बैठ गया। में आपने भी किया था? वो जो मैंने किया था, वो फिर उसके बाद जो मेरे साथ किया था, वो डांस नहीं, वो एक अलग कहानी है। जो इन्होंने किया वो डांस भी, वो स्यापा होगा। एग्जैक्टली, चड़ेलां जड़ियां सालगिरह ते नहीं कर दिया नहीं, वो बहुत बुरा था, मतलब वो मैं अच्छा था। अच्छा, आपने देखा हुआ है? आप छुप छुप के लोगों के डांस देखे? आपने कहाँ देखा? मूवी में देखा था। कौन सी वाली में? जो चल रही थी आपकी, एक ही तो चली है? एक नहीं, एक नहीं, दो थी। आपने मैंने एक ही देखी थी, पहली वाली देखी, दूसरी वाली ये नहीं याद, पहले दूसरी एक ही देखी थी। कहानी क्या थी उसकी? नहीं कहानी याद, आपका डांस मेरा डांस याद है, कहानी नहीं याद। नहीं कहानी याद,
आप किस चीज को डांस कह रहे हैं? हम नाच रहे थे। नहीं मगर कहां यार, कोई मौका महल तो बताओ। एडे अच्छे डांसर इंडिया जो सनी देओल थे ए थे ते तुसी बड़े डांसर। मगर मुझे बताए टाइम मिल जाता है कभी कोई गाड़ी में ट्रैवल में? गाड़ी में ट्रैवल करते हुए यूट्यूब वगैरह पे देख लेते हैं। अच्छा तो और क्या क्या शौक है देखने का? गाने सुनते हैं जी बस। क्या कौन है सिंगर्स पसंद? कोई भी आ जाए जिसका कवालियां आ गई, पंकज उदास की सुन ली गजलें। पूरा बड़ा दुखी दिल वाला मामला चल रहा है। नहीं भाई कोई दुखी दिल का पंकज उदास की गजलें सुनते हैं, अकरम उदास की जुगते सुन ले। आपकी जिंदगी कितनी को उदास है लगती है। आप ये जो पंकज उदास से लेके अकरम उदास तक का सफर है इसको सर पंकज किया जाए? पंकज उदास आदि गजलें सुन के तो माइकल जैक्सन वाला डांस कर दे। नहीं नहीं वो डांस पास नहीं करते, वो बड़े दुखी साइड पे एक तो बात निकल गई। ये सारी चिट्ठी आई है चिट्ठी आई को इस तरह के गाने हैं। किस चिट्ठी का इंतजार है आपको? वो स्लो म्यूजिक होता है। स्लो आपको पसंद है म्यूजिक? अरे वाह वाह वाह। तो और किस किस की गजलें पसंद हैं? और हमारी नुसरत फतेह अली खान साहब। नुसरत फतेह अली खान साहब को उन्होंने जब पूछा तो आपने कहा कि नहीं नहीं वो बात हो रही थी ना आपसे। अच्छा मेरे से उनसे बात क्यों नहीं कर रहे? उनसे कर रहा हूँ, मैं दीवार के उस तरफ नहीं बैठी हुई। लेकिन आपको तो गजलें पसंद है, तो आपको क्या पसंद है? मुझे हर तरह का म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है। आपको कैसा म्यूजिक पसंद है? मैं तो डेक बेचता हूँ, मैनू ये कह रहे जिंदगी में कोई होता ही ना कोई। म्यूजिक पसंद आपको कैसा हो? मुझे हर तरह का म्यूजिक अच्छा लगता है, लाइक मतलब मुझे रैप पसंद है। रैप? ठीक है। और कौन आपके फेवरेट रैपर? ट्रेविस स्कॉट। तो आपने कभी सुना रैप म्यूजिक? मेरा भाई यो मेरा गंजू मंजू यो ये अच्छा। आपको आता है रैप करना? मुझे सिर्फ खारिश करना आता है। ये रैप क्या मैंने और क्या किया? अगर आप कहेंगे तो सीख लूंगा सारी जिंदगी साथ जो रहना। आपने कहा साथ रहना भाई? नहीं नहीं मैं उन्होंने ड्राइवर बन के जरा मतलब मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं उनका फैन हूँ। क्या पूछना चाह रहे हैं उनसे? मॉडल है, मैं उनको देखता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ। आपने मुझे कब फॉलो किया है? मैंने वो परसों जब बारिश हो रही थी मैंने देखा था ना आपको यूट्यूब पे, तो मैंने कहा चले प्यारी हैं अच्छी हैं, आप भी सिंगल हैं मैं भी सिंगल हूँ, तो जिंदगी में ऐसा ही रिश्ते बढ़ते हैं। तो कभी सोचा कि कैसा आइडियल जिंदगी में मेरे जैसा? अभी मैं सिंगल ही रहना चाहती हूँ। अच्छा वैसे जिंदगी में हमने कभी सोचा हो कि कैसा होना चाहिए मेरा हम सफर जिंदगी? अच्छा इंसान होना चाहिए। अच्छा इंसान ये तो मैं हूँ, और कोई चीज? गुड लुकिंग होना चाहिए काफी। टॉल भी? टॉल आप नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं मैं हूँ। इतना को टॉल आप ढूंढ रही हैं? आपके जितने फाइव कितने आपकी हाइट नहीं मैं पता? जितने 5'11" एक तो हाइट होगी तो वो तो ठीक है, और लुक्स के बारे में आप बताएं। बहुत ज्यादा गुड लुकिंग होना चाहिए ना, प्यारा सा। फिर तो मैं ना ही समझूं कितना को प्यारा, कि अम्मी को प्यारा हो मतलब प्यारे की कोई डेफिनेशन बता दीजिए उनको, ताकि उनको लुक्स भी बता दीजिए। कोई आपको एक्टर पसंद हो उनसे अंदाजा हो जाएगा इनको। थोड़ा सा फवाद अफजल खान टाइप। फवाद खान टाइप की लुक्स होनी चाहिए। ठीक है मेरी फवाद चौधरी वर्गी है। Good, how are you? You know, I am very sad today. Oh, you are? पहले ही जिंदगी बड़ी झुमझमी जी हो गई सी। झुमझमी क्या होती है? नहीं मतलब कितने ना तो कोई फंक्शन मिल जाए, ना कोई मैरिज पार्टी दा बस्तो बंद हो रहा है। बंदोबस्त हो रहा है ते हुन ते जिंदगी क्रिटिकल हो गई। यू नो जिथे जाओ कहंदे ने फासला रखें। हाँ। फासला रखें। हाँ। ओ फासला करदा 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 मैं गुजरांवाले ही पहुंच गया। सो तुहानू पता पूरा महीना कोई कूम आई ते होई नहीं। सो मेरा जरा लैन लाज है ना, ही इज वेरी ग्रेट मैन, बट लैन लाडनी बड़ी सख्त है। मैं जो भी ओनू देखना ना मैनु घूर दिए। सो मेरा हुन रेंट आ गया बिल्कुल सिर दे उते। अच्छा ते ओ 10,000 तो देना है। You can try from my guest. We've got a sitting MPA today. This guy? Yes, सरदार साहब आप खुद आए हुए हैं, आप ट्राई कर लें, शायद आपका तुक्का लग जाए। ते पापा नु क्यों नहीं भेजा जिरे MPA ने? अरे MPA यही है, ये पापा नहीं है, ये MPA है। छोटे जे? Yes. नहीं ते बच्चियां ने वोट पाए तो यार
ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮ ਲਗਾਰੀ ਖੁਦ ਐਮ ਪੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮ ਲਗਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਕਿਧਰ ਸੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਪੀ ਟੀ ਆਏ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੂਸ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਹੈ ਬਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ ਤੂੰ ਸਰਾਇਕੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸਰਾਇਕੀ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਅਸਾਂ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਵੇਖ ਲਓ ਆਈ ਲਵ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਗਲੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਇੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਰੈਸ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਬਰੇਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ 24 ਘੰਟੇ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਰੈਸਟ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਯਾਦ ਆਏ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਆ ਸਫਰ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਪਹਿਲੀ ਬੈਲ ਤੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਗੋਲੀ ਮਿਸ ਯੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਬੈਲ ਤੇ ਬੈਲ ਟੱਲੀ ਤੇ ਟੱਲੀ ਟੱਲੀ ਤੇ ਟੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਚੁੱਕਦੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਬੈਲ ਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀ ਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਰੈਸਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ਟੂ ਦਾ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪਾਏ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੋ ਬੱਚੇ ਸਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਿਲਾਵਲ ਹਾਊਸ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਗਾਰਡ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰ ਖਲੋਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਚਾਪ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਹੂੰ ਬੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣ ਗੜੋਨ ਚੌਕਸਪਨ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉਹ ਟਿਚਕਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਯਾਨੀ ਨੈਬ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਨੈਬ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿਧਰੇ ਨੈਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਮੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਭ ਪੇ ਬਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਪਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਯਾ ਤੋ ਹਕੂਮਤ ਮੇ ਯਾ ਜੇਲ ਮੇ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੇਲ ਮੇ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੈਡੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਣਗੇ ਬਿਲਾਵਲ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣਿਆ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਣੂੰਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵਜ਼ੀਰ ਅਲ ਸਿੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵਜ਼ੀਰ ਅਲ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਜ ਮਾਸ਼ਾ
ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲਗਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਅਰੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨੇ सियासत में है मगर वो आप जो नाम ले रहे हैं वो नहीं है सरदार खुरम सोहेल लगा रही था यस और यार इतने भी तो ड्रामे ही कर रहे हैं माशाल्लाह एडे सोने ने हीरो मैं तो कहना छोड़ो सियासत में फिल्मों में काम करया करो अच्छा जी यकीन करो जिड्डे तुम सोने हो ना मैं तो कहना भाई गाने लिखवाओ आप अपने ते इस्लामाबाद अरे नहीं ज्यादातर कितने होते अरे वो तो लाहौर होते हैं ते बाजी हो रही वो भी लाहौर होती हैं भाभी लाहौर तुसी भी लाहौर तो फिर रौला किस गल दा अरे यार ये भाभी नहीं है अच्छा खत्म हो गई गल अच्छा मतलब कोई ताल्लुक मैं उन्होंने किधर देखा आया ओ मोहतरमा फिरदौस जमाल साहिबा नहीं यार इन्होंने नाल आंदा है जमाल एंड पे सर मैं मजाक कर रहे हैं क्योंकि बाज़ का तो मजाक मजाक की सीरीज ये पंजाब पुलिस की वर्दी यही रह गया चेंज नहीं किया आपने बताएं सर मैं तो सर सारे सूबे दे विच जाना हुंदा मैं कभी कराची जाना कभी लाहौर आना कभी केपे की जाना और फिर मैंने ना जी नेशनल वर्दी वर्दी अंग्रेजी की कहते यूनिफॉर्म मैं सर नेशनल यूनिफॉर्म पानी होंगी वो फिर ता तो सर कहना ही है वन फोटो प्लीज पहली फोटो भी मैं सांभ के रखी है देखो ना मैडम ते माशाल्लाह यकीन करो आम ना तुसी मुछा रख लो नरगोली लगो मशवरा नहीं दे दियो ये बात खवातीन मान जानी है सरदार फिल्म लगाई रही थी मुझे इनका रुमाल बहुत अच्छा लगा ओए होए 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 सर माँ को सोफे से ना बढ़ जाना वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी तो मैडम आपसे आगाज करते हैं ये बताइए आधी रात का वक्त है आप शदीद बोर हो रही हैं फोन में सिर्फ एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है वो एक कॉल अपनी बोरियत किल करने के लिए आप किन को करना चाहेंगी ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ममनून हुसैन और जनाब कायम अली शाह तो मुझे ममनून हुसैन है कौन अच्छा जी वो पूछ रहे हैं आपसे ममनून हुसैन कौन है मैं दोनों को नहीं जानती बट नाम थोड़ा ममनून शाह नाम थोड़ा ममनून है इसलिए जाना पहचाना लग रहा है मगर वो शायद जवाब देना चाह रही है किसको आप कॉल करना चाहेंगे सेकंड नाम क्या कायम अली शाह साहब और कायम अली शाह साहब कायम अली शाह साहब कोई खास वजह नाम की वजह से शायद मुझे ये नाम ज्यादा अट्रैक्ट किया आपको अट्रैक्ट किया कायम अली शाह साहब का नाम अट्रैक्ट किया आप जले नहीं देखे ये बताइए कि मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस जायंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस तस्वीर में आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फियाजुल हसन चौहान और डॉक्टर आमिर लियाकत वो काफी फनी है ओके ठीक है एक लिफ्ट में एंटर हुई है आप तीन लोग मौजूद थे एक के साथ सेल्फी लेंगी एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इकरा अजीज हानिया आमिर और मावरा हुसैन तो किसके साथ सेल्फी लेंगी हानिया आमिर को कहूंगी कि आप फ्लोर हानिया का फ्लोर आ गया फ्लोर आ गया सेल्फी किसके साथ ले रही हैं सेल्फी इकरा अजीज के साथ स्माइल दे रही हैं आप स्माइल मावरा मावरा को दे रही हैं और हानिया आमिर आपको कहा जाएगा कि आपका फ्लोर आ गया है ठीक है ये बताइए एक लॉन्ग फ्लाइट पे आप जा रही हैं 13-14 घंटे की फ्लाइट साथ वाली सीट खाली कुछ लोग आके पूछते हैं अगर आप इजाजत दें तो हम भी साथ बैठ जाएं किन को अपने साथ आप बैठने देंगी ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार जनाब मुराद अली शाह और जनाब महमूद खान उस्मान बुज़दार साहब कोई खास वजह पीटीआई से है ना वो जी वो पीटीआई से हैं तो और महमूद खान भी पीटीआई से ही हैं तो जो पीटीआई से हैं उनको नहीं दो बंदे पीटीआई से हैं एक को बिठाना एक को इस सीट पे बिठाएंगे तो उस्मान बुज़दार उस्मान बुज़दार वो कौन है वैसे वो आई थिंक वज़ीर-ए-आज़म है वज़ीर-ए-आज़म है वो वज़ीर-ए-आज़म है ठीक है किधर के वज़ीर-ए-आज़म है वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म उस्मान बुज़दार हैं ठीक है और पंजाब के वज़ीर-ए-आला कौन है पता नहीं मुझे कोई पंजाब के वज़ीर-ए-आला का नहीं पता इमरान खान मगर आपको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वज़ीर-ए-आला प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं प्राइम मिनिस्टर वज़ीर-ए-आज़म को कहते हैं अच्छा ठीक है नहीं नहीं ठीक है उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है ठीक है तो इमरान खान साहब के हैं प्राइम मिनिस्टर है
तो वो तो उस्मान बुज़दार साहब हैं। वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं। जी जी जी। ठीक है, तो उस्मान बुज़दार साहब मिनिस्टर हैं फिर? उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है। पीटीआई के। पीटीआई के चीफ मिनिस्टर नहीं, किस सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं? केपी के। केपी के। शुक्र है अभी गलत दस गया। केपी के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार। आप कहाँ पे रहती हैं? लाहौर में। कितने अरसे से? मैं पैदा लाहौर में ही हुई हूँ। ठीक है, यानी कि अच्छा, तो ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब से वाकिफ हैं आप? बिल्कुल। हाँ, शहबाज शरीफ साहब क्या थे लास्ट जब वो हुकूमत में थे? मिनिस्टर थे ना वो। कौन से मिनिस्टर थे? लाहौर के। लाहौर के मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ। जी ठीक है, तो जैसे लाहौर के मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, वही वाले लाहौर के मिनिस्टर अब उस्मान बुज़दार हैं। उस्मान बुज़दार हैं। ओके यस, तो ये तो हो गया सीधा। ठीक है जी, तो किसको बिठाना है आपने सीट पे? उस्मान बुज़दार को। उस्मान बुज़दार साहब मिनिस्टर ऑफ लाहौर जो है, आपको सीट मिल चुकी हुई है। टाइटैनिक पर जाने का वक्त है। दो VIP पास आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को टाइटैनिक पर साथ लेके जा सकती हैं। किन को टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब परवेज खटक और जनाब आरिफ अलवी। परवेज खटक। कोई खास वजह? पता नहीं वजह नहीं, बट नाम थोड़ा इंटरेस्टिंग सा। नाम इंटरेस्टिंग है परवेज खटक साहब का। परवेज खटक। हाँ, परवेज खटक। खटक। अच्छा, परवेज खटक साहब जो है वो आपने डिसाइड किए? जी। वैसे आरिफ अलवी साहब का नाम की वजह से वो रह गए? हाँ। वो बात नहीं थी जो प्रवेश खटक साहब के नाम में फीलिंग आ रही है? फीलिंग आ रही है। वो वाइब नहीं है, है ना? वो बड़ा स्ट्रॉन्ग सा नाम लग रहा है। खटक से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। वैसे आरिफ अलवी साहब हैं कौन? I have zero idea about politics and politicians, but ये like, politics नहीं, ये तो मतलब वैसे politics से beyond की बात चली गई है। कौन है वो? वजीर बल्दियात। आरिफ अलवी साहब वजीर बल्दियात? आज आपने और कुछ होना, नई मिनिस्ट्रियां निकाल दी हैं। मिनिस्टर लाहौर, मिनिस्टर ऑफ पंजाब। ताड़ियां ना मिनिस्ट्रियां में तो एक और धरना ना देना पाजे उन्होंने। मगर नहीं चले, एक चीज उनको पता है कि इमरान खान साहब वजीर आजम है हमारे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान है। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन है? मुझे उनका नाम भूल गया है मुझे, लेकिन मुझे उनका पता है। क्या पता है? कुछ बताइए, नक्शा बताइए, नक्शा खींचिए उनका। कैसे लगते हैं आप? मुझे थोड़ा सा हिंट देंगे? ऑप्शन ऑप्शन दे दे प्लीज, ऑप्शन दे दें प्लीज, मैं आपको बता दूंगा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ऑप्शन मैं आपको देता हूं, जनाब आसिफ जरदारी, जनाब रफीक तारड़, जनाब ममनून हुसैन, जनाब आरिफ अलवी। कौन से आपके ख्याल में प्रेसिडेंट है? आरिफ अलवी। आपने तो कहा था वजीर बल्दियात है। प्रेसिडेंसी किसको दें आप बताएं? आरिफ अलवी। आरिफ अलवी साहब फाइनल हैं, उनको दे दे प्रेसिडेंसी। दे दें, दे दें आप। आप देख लें अगर जरदारी साहब ने या ममनून हुसैन साहब ने या रफीक तारड़ साहब। नहीं, मैं नहीं डरती है तो किसी से भी, आप उनको देने। बहुत अच्छा। डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं उस्मान बुज़दार और सरदार खुर्रम लगारी। सरदार खुर्रम लगारी की, मुझे इनका रुमाल बहुत अच्छा लगा। सरदार खुर्रम लगारी साहब आपका रुमाल बहुत अच्छा लगा है। शर्मा के सोफे से ना बढ़ जाना। सरदार साहब आपकी बारी है। अब चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठे हैं, दो सीट्स हैं आपके पास, एक आपकी अपनी, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं चांद पर, लेकिन जिसको लेके जाएंगे उस शख्स के वापस आने की गारंटी नहीं है। क्या मतलब? तो किसको चांद पर लेके जाना चाहेंगे आप अपने साथ? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फयाजुल हसन चौहान और जनाब मुराद रॉस। फयाजुल हसन चौहान साहब। फयाजुल हसन चौहान साहब, चांद पर जाने का वक्त आ गया है। ठीक है, ये बताएं, आधी रात का वक्त है, शदीद बोर हो रहे हैं, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, बोरियत किल करने के लिए वो एक कॉल आप किसको करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान। आसिफ जरदारी साहब। आसिफ जरदारी साहब को कॉल होगी वो। ठीक है, ये बताइए, आप भी लिफ्ट में एंटर हुए हैं, तीन लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहा जाएगा कि आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फैसल वाडा, इमरान इस्माइल साहब और माहिरा खान। तो किसके साथ सेल्फी लेंगे? फैसल वाडा साहब के साथ। फैसल वाडा के साथ सेल्फी है। स्माइल किसको दे रहे हैं? इमरान इस्माइल के साथ। और किसको कह रहे हैं कि आपका फ्लोर आ गया? माहिरा खान को। माहिरा खान साहब, आपको कह दिया जाएगा कि आपका फ्लोर आ गया है। सर ये बता दीजिए, टाइटैनिक पर जाने का वक्त, दो VIP पास आपके पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जाना है, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास है राणा सनाउल्लाह और महवेश हयात। राणा सनाउल्लाह। क्यों सर? क्योंकि उनसे कुछ सीखने को भी मिल जाएगा, पुराने सियासतदान है। ओए होए होए, टाइटैनिक पर राणा सनाउल्लाह के साथ, वाह वाह वाह।
मैं भी शायद यहाँ पे हाथ धो बैठी हैं। तो वो क्या सिखाएंगे मुझे इसे? ठीक है, नहीं नहीं बिल्कुल, राणा सनाउल्ला से सीख रहे हैं आप सब लोगों ने। ठीक है, कायम रहिएगा इस बात पे। क्या है सर ये बताएं फिर, किसका फोन आया तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आया तो मैसेज पे जवाब देंगे, और किसका फोन आया तो फोन बंद करके साइड पे रख देंगे। आप जुल्म करते हो। नहीं नहीं आप बिठाए साथ राणा सनाउल्ला। ऑप्शन आपके पास जो है वो है जनाब अलीम खान, जनाब यासिर हमायूं और डॉक्टर यास्मीन राशिद। तो किसका फोन आया तो फौरन उठाएंगे? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का। किनको आप मैसेज पे जवाब दे देंगे? अलीम खान साहब को। और किनका है तो साइड पे रख रहे बंद करके? तीसरा ऑप्शन जो बचा हुआ है यासिर हमायूं साहब। यासिर हमायूं साहब आपका फोन आया तो बंद करके साइड पे रख देंगे। सर बता दीजिए फिर, डूबती कश्ती में सवार दो लाइफ जैकेट से एक आपकी अपनी, दूसरी देख किसी की जान बचानी है, किसकी जान बचाना चाहेंगे? वो लाइफ जैकेट देख के ऑप्शन है जहांगीर खान तरीन और जनाब उस्मान बुज़दार। सर मैं अपनी भी लाइफ जैकेट इन दोनों। नहीं नहीं आप नहीं, अपनी दे रहे, जनरल नॉलेज आपके पास ऑप्शन मौजूद है, जमुरी हक आपका। बताए बताए फिर जनरल नॉलेज यही बताए। अच्छा किसको दे रहे लाइफ जैकेट सर? तरीन साहब को। ओए होए जहांगीर तरीन साहब जो के पीटीआई से नाअहल होके निकले थे और जो इनके बॉस इमीडिएट उस्मान बुज़दार साहब, उनको लाइफ जैकेट नहीं दी गई। ठीक है, चीफ मिनिस्टर पंजाब के स्पेशल असिस्टेंट फॉर फूड सरदार साहब ने उनको ही लाइफ जैकेट ना दी। मगर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आमना, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।